परिचय जानेंगे सर आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह, मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ। इस फिल्म का नाम है जलवा, जो भी भोजपुरी में बनाने जा रहा हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए कि जलवा जलवा बन सके। सांस्कृतिक राजधानी में भोजपुरी फिल्म का आज शुभारंभ, क्या कहेंगे? मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्य मानूंगा कि बाबा विश्वनाथ के नगरी पे मुझे मौका मिला है। तीसरी फिल्म है मेरी, इससे पहले दिनेश जी की राजा ढुल्ले के आजा, खेसारी जी का अंदाज और अभी कल्लू जी का है जलवा है। तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि मैं लगातार करते आ रहा हूँ। क्या कहेंगे इस मूवी का थीम क्या है, एक्टर क्या है, स्टोरी क्या है, कैसी फिल्म होने वाली है ये? देखिए, फिल्म का नाम है जलवा, तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो जलवा दिमाग में मत रखिए जो हिंदी फिल्मों में बनी है। जलवा है कि हमारा एक कल्चर का एक हीरो है, वो कैसे कम टाइम में अपने आप को लोगों को एक शिक्षा देता है कि भाई हर काम मुश्किल नहीं होता है, आप उसको मुश्किल मत समझो, आप कोशिश करो, कोशिश करो तो हर काम मुमकिन है। तो जलवा करने मतलब कि वो एक इंसान है जो आदमी सोच नहीं सकता, वो करके दिखाया है। तो ये थीम है मेरा जलवा। अच्छा, आजकल मूवीज आ रही हैं, एक्शन मूवीज आ रही है, हॉरर आ रही है, थ्रिलर आ रही है, आपकी मूवी का क्या बेस है? देखिए, इसमें क्या है, फैमिली ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, थ्रिलर नहीं कॉमेडी भी है। लोगों को एक लगेगा कि हाँ, मतलब हर एक सीन, हर एक शॉट, हर एक जो हमारा सीन सिनेमा का स्क्रीन प्ले है ना, वो आपको लगेगा अपने परिवार से कनेक्ट लगेगा कि अच्छा मेरा भी बेटा ऐसा है, अरे साला ऐसा काम करता है, अरे ऐसा ये करता है, मतलब हर एक सीन आपको अपने पारिवारिक कनेक्शन से जुड़ा रहेगा। तो ये पूरा भोजपुरी है? हाँ भोजपुरी, हाँ, क्योंकि भाषा भोजपुरी है। तो धार्मिक नगरी में मूवी का मुहूर्त आज निकला हुआ और धार्मिक तरीके से शुरुआत भी हुई है, क्या अपेक्षाएं होंगी? चूंकि काशी एक क्या कहते हैं, पूर्वांचल का एक तरह से बोला जाता है कि बेस होता है, क्या कुछ कहेंगे? आपके साथ सुपरस्टार भी है। देखिए, सबसे पहले कि हम तो बहुत खुश नसीब है कि हमारे निर्माता भी यहीं से जुड़े हुए हैं, 100 किलोमीटर दूर सासाराम से, और हीरो जो है अरविंद अकेला कल्लू जी, इनका घर ही यहाँ है। तो सौभाग्य है, फिल्म बनाने के पीछे एक परिदेश अपना जो उद्देश्य है कि हम मतलब हर चीज़ों को है ना, क्योंकि सिनेमा एक आईना होता है, तो हम आईने के माध्यम से हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर यहाँ फिल्म बना रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार जो हम लोगों को सपोर्ट कर रही है सब्सिडी के लिए, तो हमारा उद्देश्य भी होता है कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो कलाकार हैं उनका हम बढ़ावा दें। इसलिए हम खास कर यहाँ आते हैं कि अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो मेरा उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के साथ में हम मिलकर आगे। क्या होगी और काशी जो कि हॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्मों तक के लिए एक डेस्टिनेशन बन चुका है शूटिंग के पर्पज़ से, आपका डेस्टिनेशन क्या होगा शूटिंग के पर्पज़ से? देखिए, हमारा ये एक महीने का शेड्यूल है, 30-35 डेज का, और बजट लगभग जो है सो डेढ़ के ऊपर जाएगा, मतलब 1.5 CR जाएगा। तो हम भी हो सकता है उससे बढ़ भी जाए, हमारी कोशिश ये है, हाँ अराउंड ये है। बस आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहे, और पिक्चर ये अगस्त में 15 अगस्त तक रिलीज होगी, तो फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे, खुद बताएंगे कि हाँ फिल्म कैसी बनी है। हम यही चाहेंगे कि आप लोग का स्नेह और प्यार मिलते रहे। शूटिंग डेस्टिनेशन लोकेशन क्या रहेगा, जलवा की बात करें तो? शूटिंग जो है यहाँ पे जैसे राजा तालाब है, रोहनिया है, जो अपना बाबा विश्वनाथ का जो वहाँ घाट है वहाँ पे है, मिर्ज़ापुर है, मतलब तमाम 5-6 जिला में यहाँ मिलाकर मिक्स करेंगे। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू।